हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सबका स्वागत है आज की वीडियो में। और आज हम चंडीगढ़ से वापस जा रहे हैं, तो ननद को तो बाय बाय करके आ गए। और अब यहाँ पे रास्ते में भाभी रहती हैं, मतलब भाई भाभी, तो अब उनसे मिलने आए हैं और उनसे मिलकर बस निकल रहे हैं। मतलब 5 मिनट के लिए आए हैं चाय पीने, तो हमने सोचा मिलकर चले जाते हैं, फिर बाद में आना होगा तसल्ली से। तो अभी हम बस मिलकर जाने ही वाले हैं। और बच्चों को देखो, 2 मिनट के लिए मिले हैं, लेकिन मस्ती देखो इनकी। अरे गिरो, सीढ़ियों में। और देखो 2 मिनट में ये घुल मिल ऐसे गए, बच्चे बिल्कुल थकते नहीं हैं, क्या बोले। और यहाँ चल रही है गप्पे, चले फिर, बाय बाय। ठीक है, बाय बाय। अब चलते हैं वापस। तो हम पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट में, और ये काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है। आज ये न्यू है, तो यहाँ पे भी अब पहली बार जा रही हूँ मैं। तो चलो देखते हैं कैसा है यहाँ पर। ये भी काफ़ी बड़ा है, हवेली की तरह, जैसे बड़ा सा हवेली में है ना, वैसे ही। चंडीगढ़ सड़क में वैसे बहुत सारे हैं रेस्टोरेंट, जो कि बिल्कुल मस्त है। मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं इस लाइन पे, खाने पीने में कोई दिक्कत ही नहीं होती बिल्कुल भी। सुबह का टाइम है, बिल्कुल खाली हो रखा है यहाँ पर। अंदर हो सकता है भीड़ हो, देखते हैं। चलते हैं अंदर रेस्टोरेंट में। वाव, सुंदर है ये तो। मिष्टी, आज इतनी जल्दी भूख कैसे लग गई तुझे? होटल तो काफी खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर। बाकी खाना खाकर ही पता चलेगा खाना कैसा है। पराठे आ चुके हैं, और मिस्टी के मुंह में पानी भी आ रहा है, नहीं आ रहा। खा लो, कहीं को अपनी मर्जी से डालेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खाना था। पराठे की बात करें तो जैसे 4 पराठे मंगाए थे, और मिल्क शेक, वो क्या बोलते, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक मंगाया था आइसक्रीम के साथ, तो वो भी टेस्टी था। और चाय भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, मतलब कड़क बन रखी थी एकदम, तो वो भी बहुत ही टेस्टी थी। और बात की जाए यहाँ पे तो मतलब ठीक था, 832 रुपये बिल आया, तो मतलब सही था। लेकिन हाँ, कई बार ये होता है कि हम सोचते हैं कि कुछ ज़्यादा ही बिल होगा, तो हम अंदर घुसते नहीं है, लेकिन जाना चाहिए। जाने का कोई पैसा तो होता है नहीं, तो अगर हमको, मतलब किसी को भी, जो भी जाते हैं, अगर उनको महंगा लगे तो वो वापस आ सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई बोलेंगे नहीं तुम्हें खा कर ही जाना आज तो यहाँ से। और अभी मैंने यहाँ पे पता किया, तो ये करनाल में ही है विवान,
विवान रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे वेडिंग वगैरह भी होती है इसके बगल पे। यहाँ एक साइड पे वेडिंग वगैरह होती है इधर साइड, और इधर अभी तो फिलहाल यहाँ पे अंदर किट्टी पार्टी भी चल रही थी एक साइड पर, काफ़ी लेडीज़ वगैरह आई थी। और इसके अंदर बूफे भी है, तो बूफे भी बिल्कुल अच्छा रहता है कि भाई जितना खाना है खाओ पियो मौज करो। तो अब चलते हैं यहाँ से घर वापस फरीदाबाद। यहाँ पर करनाल का बोर्ड लगा हुआ है, मैंने पढ़ा नहीं था पहले। चलो बैठ जाओ। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, गर्मी भी काफी हो रही है अभी भी, मतलब मौसम बिल्कुल खतरनाक ही है गर्मी वाला। और अब हम दिल्ली ना जाकर ईस्टर्न फेरी पर होते हुए जा रहे हैं, ये सीधा ये सड़क पहुंचेगी पलवल, तो ये रास्ता बिल्कुल मस्त है। ये यहाँ पे आपको एक टोल प्लाजा मिलेगा, बीच में एक ही पड़ता है बस यहाँ पे। इससे पहले मैं एक बार इस सड़क पे आ चुकी हूँ, वो हम रात को आए थे, तो रात को बिल्कुल सुनसान सड़क थी है, तो इसलिए दिन में बहुत अच्छा है। दिन में तो गाड़ियाँ भी दिख रही है, इधर ज़्यादातर इधर ट्रक ही चलते हैं, इधर भी सारे ट्रक ही ट्रक है, साइड पर खड़े हो रखे हैं, कार बहुत कम होती है, एक दो। इधर खेत भी, बड़े बड़े खेत वगैरह हैं और खुला एरिया है बिल्कुल, बहुत ही अच्छा बहुत सुंदर व्यू आता है यहाँ से। अगर आप लोगों को डायरेक्ट पलवल जाना है तो आप इस सड़क पे आओ, आप दिल्ली के भीड़ भाड़ से भी बच जाओगे और आपका काफ़ी समय भी यहाँ पर बच जाएगा, और सड़क आपको बिल्कुल टकाटक मिलेगी। बट रात के टाइम अवॉइड करना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो फैमिली वाले होते हैं उनके लिए ये सड़क बिल्कुल रात में, मतलब बिल्कुल बहुत कम गाड़ियाँ चलती हैं, ज़्यादातर यहाँ पर ट्रक चलते हैं, और जैसे बाइक हो गई, बाइक वगैरह और ये साइकिल वगैरह यहाँ पे इनके लिए अलाउड नहीं है। लेकिन जो यहाँ के गांव के एरिया हैं उन्होंने बीच बीच से मतलब रास्ते निकाल दिए हैं अपने लिए, तो वो बीच में घुसा देते हैं, लेकिन अलाउड है नहीं वैसे। तो जैसे ही आप मुरथल ख़त्म होता ही है, जब आप चंडीगढ़ के साइड से आते हो तो मुरथल ख़त्म होते ही आपको ये मिल जाएगा रास्ता, तो आप इधर से आओगे तो बिल्कुल आपका एक घंटा तो ऐसे ही बचेगा, और जो दिल्ली की जाम वगैरह से बचेगा वो आपको अलग बेनिफिट होगा इधर से। तो बहुत अच्छा है मतलब रास्ता इधर से, मतलब आपको सुकून भी मिलेगा और गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा इधर तो, क्योंकि अच्छी हवा भी चल रही है और एरिया भी बहुत मतलब गांव का एरिया है, तो बिल्कुल खुला खुला सा लग रहा है सारा। बच्चे फिलहाल तो बिल्कुल सो रखे हैं, कुछ देर तक तो उन्होंने बहुत लड़ाई की, उसके बाद चुपचाप से सो गए। और ये देखो सारा ये इधर गांव के एरिया है, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे सारे, जैसे गाज़ियाबाद जाना है, हरिद्वार जाना है, सारे रास्ते यहाँ से कट हैं बीच में से। और पेट्रोल पंप एक हमें स्टार्टिंग में पेट्रोल पंप मिल गया था, अब आगे है कि नहीं वो देखते हैं कि आगे भी पेट्रोल पंप यहाँ पर है या नहीं है, वो आगे जाकर पता चलेगा। और देखो बिल्कुल खुला खुला रास्ता है, और जैसे ट्रक वगैरह दिल्ली में बैन हो रखे हैं तो मतलब उधर उस सड़क पे आने नहीं देते, तो ट्रक वगैरह यहाँ से मतलब ट्रक ज़्यादा जाते हैं इधर, कार वगैरह भी बहुत कम नज़र आती है, क्योंकि कई लोगों को रास्ता पता नहीं होता तो वो इस वजह से मतलब गलत रास्ते में नहीं आते। तो इस बार हमने सोचा चल लेते हैं, देख लेंगे कि रास्ता कैसा है।
यहाँ पे नॉर्मल स्पीड इन्होंने कर रखी है कार वगैरह की 120, और बाकी जैसे आप 150 भी आराम से चला सकते हो यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। किलोमीटर बाद यहाँ पे दोबारा एक पेट्रोल पंप है, और यहाँ सारी सड़क में मतलब कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे। ये आ गया फरीदाबाद एग्जिट। मुरथल से कम हमें यहाँ आने में 114 किलोमीटर लग गए।